नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया जिले के हिंडोरा गांव के गरीब मजदूरों के द्वारा दतिया जनपद में पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरिराज दुबे को शिकायती आवेदन दिया। गांव के गरीब मजदूरों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से खुले हैं खाते। उनके खातों में हजारों रुपए निकाले गए, मजदूरी के रुपए भी नहीं दिए जा रहे। वहीं शासन की ओर से इस कोरोना महामारी में भेजे गए रुपए ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के द्वारा धोखे से अंगूठा लगवा कर निकाले गए। ग्राम पंचायत के सरपंच हिंडोरा थाना बड़ौनी जिला दतिया मध्य प्रदेश गरीब असहाय लोगों से धोखे से लगवाए गए थे अंगूठे व कई लोगों को खाद्य सामग्री की पर्ची तक नहीं दी जा रही थी। सरपंच अर्जुना प्रजापति और उनके पति व सचिव के द्वारा ग्रामीणों के साथ कई बार इस तरह की अभद्रता की जा चुकी है व जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। लिखित में कई ग्रामीणों ने जिला पंचायत जनपद में पहुंचकर जनपद सीईओ गिरिराज दुबे को शिकायत आवेदन दिया व कार्रवाई की मांग की कि हम गरीबों के साथ न्याय करें। प्रधानमंत्री योजनाओं व मुख्यमंत्री योजना का हम सभी गरीबों को लाभ दिलाया जाए। सीधे सीधे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे खाते से कब रुपए निकल गए, उसकी जाँच कराई जाए। हमसे आधार कार्ड लेकर हमारे नाम से खाते सरपंच के पास ही खुले हुए हैं, उसकी भी जांच कराई जाए। हम सभी मजदूरों के खाते पासबुक सरपंच अपने घर पर ही रखता है और जब सरकारी योजनाओं का पैसा हम लोग के खाते में आता है तो सरपंच के द्वारा निकाल लिया जाता है। हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं लगा एक भी रुपए ना ही किसी सरकारी योजना का आज तक मिला है और ना ही कोई लाभ मिला है। और भी कई गंभीर आरोप हिंडोरा सरपंच अर्चना प्रजापति व उनके पति पर मजदूर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए। वहीं जनपद सीईओ गिरिराज दुबे के द्वारा सभी लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस ग्राम पंचायत की जांच कराकर दोषियों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग धैर्य रखें। जितेंद्र सिंह कौरव, ब्यूरो दतिया से रिपोर्ट। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? पाँच मजदूर गाँव में से आए लौट के लॉकडाउन में, तो वो भी कुछ नहीं राशन पाए ना कुछ नहीं चलता था ना हट गए ना सफाई ना कोई देखभाल करी ना कुछ ना। और मिश्रा जी आज कार्ड दे रहे थे बड़ो तो सब कुछ मिलेगा तो मैं ये नहीं इससे बोले आप बात ना कछ मिलो ना कछ दो तीन दिन में खाते लेगा सरपंच आधार कार्ड को फोटो और वो खाते लंबा 14 लोग आदमी है बाहर के आदमी वो का कोई चार कनुका तक नहीं दे कैसे की तो बात अलग है। बताओ नाम क्या है? नाम मदन मोहन सिंह। कहाँ से हो? हिंडोरा से। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत सर जी है कि हमारे खाते से ग्राम पंचायत ने पूरे पैसे निकाल लिए, खाते के एक किस्ती और पूरे पैसे निकाल लिए। इसके बाद और मजदूरों के भी पूरे पैसे निकाल लिए और सर अभी तक उसका मोबाइल नहीं छीना गया। पहले सबसे पहले उसका मोबाइल छीना जाए, मोबाइल द्वारा वो इधर उधर करता है, सारी समस्या को हल कर लेता है और वह जान माल को भी खतरा करता है सर, इसलिए सबसे पहले उसका मोबाइल छीना जाए। ये हिडूरा सरपंच है जो रघुवीर उसके घर से है सरपंच, उनने क्या कुटीरों के पैसे खा लिए, लोगों को जो कोरोना के पैसे आए मजदूरी के वो भी पैसे नहीं, विकलांगों के भी उसके भी 20,000 के मुकेश के भी निकले हैं ऐसे ही, मतलब 40 राशन पानी नहीं, जो भी बाहर से मजदूरी आई है कोरोना के मास्क वगैरह उसने कुछ भी किसी को कोई राशन पानी नहीं कोई सुविधा नहीं दे रहा है। और अभी जनता आ रही है यहाँ शिकायत करने तो वो मारने की धमकी और दे रहा है मार। हमें ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि इनके बैंक में अकाउंट खुले हैं लेकिन इनको पता नहीं है, तो हम संबंधित अभी हमारे LDM साहब हैं जिले के, इनसे भी हमने चर्चा की है, तो हम बैंक मैनेजर से ग्राम पंचायत हिडोरा में जो हिडोरा के गाँववासी है उनके किन किन के खाते खोले गए उनके बारे में किस आधार पर अकाउंट ओपन किए गए इसकी जानकारी बुलवा रहे हैं। उसके बाद इनकी सहमति के बगैर इनके खाते से अगर पैसे निकले तो हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि कौन ने पैसे निकाले और यदि इसमें कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे।